हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। जैसे कि आपका अभी अपकमिंग डेज में SBI क्लर्क का एग्जाम है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कोई भी बैंक का एग्जाम हो तो उसमें क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट का नंबर 5 होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेट को सॉल्व करना। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपसे लिखा होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, और ये आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। अब जैसे ये लिखा है 48% ऑफ 525 प्लस X% ऑफ 350 इक्वल टू 399। तो देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक आसान तरीका जो आप लोग खुद डेवलप करेंगे वो बताना चाहूंगा। अब जैसे लिखा है 48%, तो 48% को आप क्या लिख सकते हो, आपको 4% पता है। देखो 4% जो है ये सबको पता 1/25 होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। कैसे होता है, अगर मैं कह दूं 4/100 तो ये कितने बार जाएगा, 25 बार जाएगा, 1/25 हो गया। तो ये मुझे पता चल गया कि 4% जो है ये कितना हो गया, 1/25। और मैंने अभी आपको बताया कि 12 × 4 कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। तो अगर 4% 1/25 है तो इसमें 12 की मल्टीप्लाई और कर दो, तो 12/25 जो है इसको आप यूज क्या कर सकते हो, इस 48% की जगह पर। ओके, तो यही चीज मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, ताकि हमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको एक पैटर्न फॉलो करके हम लोग बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 12/25 किसके बराबर होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 525 के, प्लस ये है X%, तो XY 100 ही हम इसको लिखेंगे, 350 तो × 350 लिख दिया, ये 399 एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये वैल्यूज कुछ कटेंगी, 25 से दो बार कट जाएगा और फिर एक बार, तो 12 × 21 हो गया। अब 12 में एक की मल्टीप्लाई करोगे 12 होगा, 12 में दो की करोगे 24 और एक 25, ये हो गया आपका 252 प्लस। अब देखो 0 से ये 0 कट गया, 5 से ये दो बार कटेगा, 5 से 7 बार, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 7XY2 = 399। अब देखो 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एलसीएम लेने का तरीका भी यही होता है। अब 252 × 2 ये आपका हो गया 504 प्लस, ये आपका 7x एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 होल के रहेगा, तो उसको हम लोग इधर 399 × 2 कर देंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 399 × 2 क्योंकि 400 × 2 = 800 होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 798 हो गया। अब यहाँ पर 504 रहे, इधर ये माइनस में आ जाएंगे, इधर क्या बचेगा, 7x बचेगा। अब देखो 700 में से 500 गया 200 बचेगा, 98 में से 4 गया 94 बचेगा, 294 बचा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 7 से इसको डिवाइड कर दो, ये आपका कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर ये 2 बार जाएगा, 42 आपका आंसर आ गया। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 10 क्वेश्चन अगर आपके सिंप्लीफिकेशन के होते हैं तो उनको सॉल्व करने का जो आइडियल टाइम है वो 9 to 10 मिनट्स ही होता है। तो मैं कहूंगा कि कोई क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपका लगभग कहा जाए कि 40 to 50 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर 10 मिनट 10 क्वेश्चन है तो ये आइडियल टाइम है, आप इतना ले रहे हैं तो ये ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो है, देखो ये इनलाइन मेथड है, इसमें डायरेक्टली आपको ऐड करना है। तो देखो ये है 7855, ये वैल्यू माइनस की है 4236, ये वैल्यू प्लस की है +388, तो 0388 कर दे रहा हूँ, 4 डिजिट में बन जाएगी ये वैल्यू जो है, इसको आप इधर ले आओ माइनस में 3974 इक्वल टू एक्स, ये निकालना है। तो जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेना, माइनस वाले लेस कर देना। देखो 5 और 8 ये हो गया 13, 13 में से 6 और 4 10, 10 को लेस कर दिया तो कितना बचा, 3 बचा। इसी तरह से 5 और 8 फिर हुआ 13, अब माइनस वाले कितने हैं, देखो 13 में से 3 गए बचा 10, 10 में से 7 गए बचा 3, फिर कितना है 8, और ये है कितना 3, 11। अब 11 में से 2 और 9, 11 में से 11 गया बचा गया कितना, 0 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा आपका 7। ओके, अब देखो 4 और 3 होते हैं 7, 7 - 7 ये बचा 0, तो 0333 आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको कराए थे इन लाइन में सॉल्व करने वाले। वैसे अगर आपको कंफर्ट फील नहीं होता है तो आप 7855 इस तरह से लिखें और 0388 इस तरह से लिख के एक सम निकाल लें, माइनस वाली वैल्यू इन दोनों को एक साथ जोड़ लें, फिर इसमें से फाइनल सब्ट्रैक्ट कर दें। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक लाइन में लिख कर सॉल्व करना आसान होता है। केवल यूनिट डिजिट को ही हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। ऐसे क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, उनको आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है 12.28 × 2.5
6.5 इंटू 2.4, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर जैसे ये 12.28 लिखा है इंटू 2.5 है, तो आप क्या करो कि 2.5 को कन्वर्ट कर लो। जैसे मैं 2.5 को क्या लिखूंगा, 5/2 लिख दे रहा हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, 12.28 इंटू 5/2 माइनस, अब जैसे ये 6.5 लिखा है तो 6.5 है, 6.5 का मतलब क्या हुआ, 13/2, 13/2, तो मैंने इसको लिख दिया 13/2 इंटू 2.4। अब देखो 2 से ये पूरा कट जाएगा, ये आ गया 6.14, तो कितना हो गया, 5 × 6.14 हो गया माइनस, 2 से इसको काटा ये हो गया 1.2। अब देखो 13 की मल्टीप्लाई मुझे किस में करनी है, 1.2 में करनी है। अब ये वैल्यू हो गई आसान, देखो 5 × 4 ये हो गया 20, 0, 2, 5 × 1 5 और 2 7, 5 × 6 ये हो गया 30, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया 30.70 निकल कर आ गया। इसी तरह से इसको कर लो, 13 × 2 26 हुआ, 2 13 × 1 13 और 2 15, 1 अंकों के बाद दशमलव लग गया। अब यहाँ पर बैलेंस कर लिया, ये भी दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट, ये 70 में से 60 गया बचेगा 10, 30 में से 15 गया बचेगा 15, 15.10। देखो कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर जाएगा। तो कुछ तरीके हैं कि हम कैलकुलेशन को तोड़ लें। वैसे करने को आप 25 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और यहाँ पर 24 की 65 में भी कर सकते हो, ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी रहेगा, लेकिन ये जो मैंने बताया कि इस तरीके से करने से क्या है कि क्वेश्चन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, तो ऐसे स्टेप हम लोग फॉलो कर सकते हैं। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें क्या है कि बहुत सारी वैल्यूज आपकी कट जाएंगी। अब जैसे देखो 7 है और ये है 490, तो 7 से अगर मैंने यहाँ पर काटा तो ये 7 से 7 बार जाकर 70 हो गया, 5 से फिर काटा तो ये हो गया 14, अब ये 8 है तो 4 से ये आपका 2 बार कट जाएगा, ठीक है, और 2 से ये आपका 7 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, 3 × 5 × 7 3 × 5 × 7। अब देखो 3 × 5 हुआ 15, 15 × 7 कितना हो गया, 105। देखो कोई ना कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो क्या है कि कैलकुलेशन देखते रहना है और क्वेश्चन अपने आप बनता चला जाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार मैं बताना चाहूंगा। इस क्वेश्चन में देखो ये 2 डिजिट मल्टीप्लाई में दिए हैं, यहाँ पर एक्स लिखा है, ये फाइंड आउट करना है और इसके बराबर में ये है, तो पहले इनको सॉल्व कर लो, 9 × 2 18 और 5 23, तो ये हो गया 23/9 इंटू 5 × 3 ये हुआ 15 और 4 19, 19/5 प्लस एक्स, अब ये 12 × 5 60 और 1 61, 61/5 ये चीज हो गई। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि हमें ये वाले पूरे मॉड्यूल को इधर लेकर जाना है, वो भी माइनस में, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 61/5 माइनस, आप क्या करो 19 और 23 की मल्टीप्लाई कर लो। देखो 19 × 3 57 होता है, तो 7 यहाँ पर आया, 5 बचा, 19 × 2 38 हुआ, 38 और 5 43 43, अब 9 × 5 ये हो गया 45, नीचे एलसीएम ले लो 45 ही आएगा, 5 से 9 बार गया, 9 × 61, देखो ये आपका 9 × 6 कितना होता है, ये आपका होता है 540 और इंटू 1 9 हो गया, तो 549 हो गया ये आपका माइनस, 45 × 1 45 और 1 × 4 37, 549 में से 437 को लेस करोगे ये मिलेगा आपको 112/45। अब इसको ये अभी इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर बना लो, 45 से 2 बार जाएगा, ठीक है, 90 हुआ, यहाँ पर बचा 22, तो 2 सही 22/45 किस में आ रहा है ये ऑप्शन, यहाँ पर कोई भी ऐसा हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहा है जिसमें 2 सही 22/45 मिल रहा हो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज, यहाँ पर दिया है 3 सही 22/45, तो ध्यान रहना कि कहीं पर इस तरीके की गलती दोस्तों ना हो जाए, ठीक है। चलो 6 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन आई होप सबसे बन जाना चाहिए, कुछ नहीं है इसमें, ये है आपका अंडर रूट एक्स प्लस ये कितना है 17 स्क्वायर, तो ये कितना होगा 289 = 335, अब इसको उधर ले जाओ तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 335 में से 289 को लेस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 46, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ का अंडर रूट हट जाएगा लेकिन इस 46 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब एक तरीका है कि ये वैल्यू क्या है, 50 से आपकी कम है, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था 20 से 50 के बीच में स्क्वायर कैसे निकाले जाएंगे, तो देखो ये 50 से कितना कम है, 4 कम है, ठीक है, 50 से कितना कम है, ये 4 कम है, ओके, तो 4 का स्क्वायर कर लो, ये कितना हो गया 16, अब 46 में से 4 को लेस कर दो, ये कितना बचा 42/2 21/16,
ये आपका राइट आंसर हो गया 2116। तो 46 का स्क्वायर करना कुछ इस फॉर्मेट में मैंने बताया था 25 से 50 के बीच में कैसे करते हैं। अपकमिंग डेज में इसकी प्रैक्टिस में और करा दूंगा आपको, ताकि आपका ये डाउट भी दूर हो जाए। यहाँ पर लोगों को डाउट हो सकता था। सेवन्थ वाले क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें लिखा है कि क्वेश्चन मार्क निकालना है। अब देखो इसमें लिखा है 125% ऑफ 560, 22% ऑफ 450। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको बताया था कि x परसेंट ऑफ y, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है y परसेंट ऑफ x। अगर ये दोनों चीज़ें लिखी हैं तो ये क्या है? इक्वल है। अब कैसे इक्वल है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे मैंने कहा x परसेंट ऑफ y, तो आप यही लिखोगे एक्स वाई 100 इंटू बाई, यही चीज़ तो लिखोगे। इस बार मैंने कह दिया बाई परसेंट ऑफ x, तो मैं क्या लिखूंगा? बाई परसेंट, दैट मीन्स बाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स। तो देखो यहाँ पर x बाई 100 आया, यहाँ पर कितना आया x इंटू बाई डिवाइड बाई 100 आया। दोनों चीज़ें बराबर निकल कर आई, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर लिखा है 125% ऑफ 560, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं 560% ऑफ 125। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ओके। अब इस चीज़ का यूज़ है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। 125% है, 125% आपको पता है कितना होता है? ये आपका होता है 5/4, ठीक है। इसको हम कहते हैं 5/4। कैसे? मैंने कहा 125/100 कर दो, ये 25 से 5 बार जाएगा, 25 से 4 बार जाएगा, 5/4। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 5/4 ऑफ 560 प्लस, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 450% ऑफ 22। इसकी जगह आप ये मान के चलो मैंने ये चीज़ लिखी 450% ऑफ 22। तो 450% का मतलब कितना हुआ? 450/100, 0 से 0 कट गया, 5 से 9 बार और 2 बार, तो 9/2 आया। इस बार मैं लिख रहा हूँ 9/2 ऑफ 22। इससे क्या है कि थोड़ी कैलकुलेशन मेरी कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब 4 से ये 14 बार जाएगा, 140 हुआ, 14 इंटू 5 कितना हुआ? 70, 700 हो गया ये। अब 2 से ये 11 बार कट गया, 11 इंटू 9 ये कितना हो गया? 99। इन दोनों को जोड़ दो सीधा सीधा 799। ज़्यादा से ज़्यादा 22-30 सेकेंड लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो एट्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको बल्क में लग रहा होगा कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये हैवी नहीं है। अब देखो इसमें क्या दिया है, 28 इंटू 5, देखो 30 इंटू 50 होता है 150, लेकिन ये चीज़ माइंड में कैलकुलेट करना। लेकिन 30 से ये 2 कम है, तो 2 इंटू 5 10 आपको और लेस करना होगा, बचेगा कितना? 140। तो हम डायरेक्टली 28 की टेबल में नहीं आती, फिर भी काम हो जाएगा। 30 इंटू 50 150, 2 इंटू 5 10, 150 में से 10 को लेस किया, कितना बचा? 140 माइनस 15 इंटू 6 हो गया 90। अब देखो 7 स्क्वायर ये है 49 प्लस 256 होता है ये 16 का, ठीक है। स्क्वायर अंडर रूट 256 मतलब 16 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर ये हो गया 169। 140 में से अगर मैंने 90 को लेस कर दिया, बचेगा कितना? 50। इन सबको ऐड कर लो, ये जितनी भी वैल्यू हैं इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो ये आपकी मिलेंगी कितनी? 234। इन लाइन करके देख सकते हो, 9 6 15 और 9 24 का 4, बचा कितना? 2 और 4 और 1 5 और 6 11, 11 और 2 13 का 3, 1 बचा, 1 और 1 2, 234 हो गया। अब इसको देखो, ये आपका 2 से कट जाएगा 25 बार, और 2 से ये कितना हो गया? एक बार गया, फिर एक बार गया, फिर ये 7 बार गया। 25/117 कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, केवल देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। चलो ये 9th वाला क्वेश्चन आपको एज इट इज करना है, जैसा मैंने आपको भी करके दिखाया था एक ऐसा ही क्वेश्चन। पहले 7 × 13 कर लेना, 91 और 4 ये हो गया 95/7 प्लस। अब देखो 7 × 5 35 और 2 कितना हो गया? 37/7 इंटू 2 × 4 और 1 5 5/2 ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर एलसीएम वाला फेज ले लेना, आसानी से हो जाएगा। अब 37 × 5 मत करना, 40 × 5 कितना हुआ? 200। अब 40 से 37 कितना कम है? 3 कम है, 3 × 5 हो गया 15। तो माइंड में कैलकुलेट करो, 185 लिखना है दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ गई 185, 7 × 2 हो गया 14। अब ये हो गया 95/7। एलसीएम लो और मुझे सही ऑप्शन बताओ कि कौन सा इसका आंसर निकल कर आया। अब देखो ये 10th वाला क्वेश्चन, ये भी आपको अपने आप करना है, सेल्फ अटेम्प्ट करना है, कुछ नहीं है, वन लाइनर ही है। अब वन लाइनर कैसे बन जाएगा ये ध्यान दे लो। देखो 8.76 है, 222.24 है, 3242.15 है, ओके।
अब यहां पर दो प्लेस दिए हैं दशमलव के बाद दोनों जगह पर, तो सीधा सीधा ऐड करना है। कैसे, मैं एक बार करके आपको दिखा रहा हूं। ओके, ट्राई करना मेरे साथ। 6 और 4 10 और 5 15 का 5 एक कैरी बचा, 7 और 2 9, 9 और ये आपका 9 के बाद में एक ही ऐड हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी बचा 1। अब देखो 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 1 13 का 3, 1 बचा। अब 1 और 2 3, 4 7 और 1 ये हो गया 8। अब देखो यहाँ पर 2 बचा और 2 ये हो गया 4, 3 आपका ऐसे ही बचा, तो 3483.15 ये आपका आया है, 3483.15 ये ऑप्शन हो गया आपका बी वाला। तो ये आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपने आप से डिजिट लिख लो। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन मेरा नोट कर लो। जैसे मैंने लिख लिया 77.24 प्लस 998.37 प्लस 1011.8। ओके, इसको आप लोग ऐड करो। अब देखो इसमें ध्यान रखना, दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट, अब दशमलव के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट कर लेना, तभी आपका ये 0 इस 7 के साथ में और ये 4 के साथ में पेयर बनेगा। ओके, इसका आंसर बताओ कितना निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना हिसाब से आपकी मैथ में बूस्टिंग होती रहेगी। और अपकमिंग सेट में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हमारे साथ बने रहें। प्रीवियस वीडियोस यहाँ पर देख लें, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, जरूर पूछें। और अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।